आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। डॉक्टर अर्चना मैसी संजीवनी नर्सिंग होम लच्छीरामपुर आजमगढ़ की तरफ से समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों तथा देशवासियों को नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ मैडम, अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर अर्चना मैसी आजमगढ़ में विगत 1994 से गायनी ऑब्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये संजीवनी नर्सिंग होम रन कर रही हूँ। जी जी मैडम, जैसा कि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का गणतंत्र दिवस है, इसके संबंध में अपने नगरवासियों, जनपदवासियों को चाहे देशवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत गर्व की बात है कि आज हम एक आजाद देश में रहते हैं। इससे जो परतंत्र है वो ही इसका दुख समझ सकते हैं। हमें अपने देश के जितने शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान से खेल कर हम लोग की जान बचाई है और आज इस देश को आज़ाद किया है, कितने लोग शहीद हो गए, मर मिट चुके, उन सबों को याद करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस आज़ादी को कायम रखें। सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा, इसको हमेशा आपस में बनाए रखें। दूसरी चीज़ है सेहत, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अब हर किस्म से ईमानदारी बरतें, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे देश को ईमानदारी, मेहनत, भाईचारा जो देश को आगे ले जाएगी, यही मेरी अपने बंधुओं से अपील है कि हमेशा इसमें अपना सहयोग करें। देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एक नया ग्रेडियंट आया है ओमिक्रॉन, इससे जैसे पर्सनल सेफ्टी के लिए, महिलाओं के लिए, गायनिक हमारे डॉक्टर भी हैं आप, जैसे इन लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ा सुझाव वही है, मास्क वेयर करें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, जब तक कि जरूरी ना हो तब तक कि अपने घर से बाहर ना निकले, समय टीके अपने जरूर पूरे करें और बूस्टर, अब तो समय आ गया है बूस्टर लेने का, बूस्टर अपनी जरूरत के हिसाब से बूस्टर लेना। थैंक यू मैडम।